एक तरफ जहां पे पूरा वर्ल्ड कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल और फिलिस्तीन अपने देश के लिए जंग में लगे हुए हैं। इस स्थिति में हम नियमित रूप से आयरन डोम नामक रक्षा प्रणाली के बारे में समाचार सुन रहे हैं, जो कि इजराइल को अपने बचाव में बहुत कारगर साबित हुआ। तो आइए आज के वीडियो में बात करते हैं कि आयरन डोम क्या है, इसे कब बनाया गया था और कैसे काम करता है। अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त रूप से आयरन डोम बनाने में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। आयरन डोम एक ऐसी रक्षा प्रणाली जो सतह से सतह पर मार करने वाले हथियारों, मोर्टार, रॉकेट और मिसाइलों से इसराइल को सुरक्षा प्रदान करती है। इसराइल और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों के आसपास की भूमि से विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए हमलों ने दशकों से इसराइल में दैनिक जीवन को ध्वस्त किया है। इसलिए देश को एक विश्वसनीय रक्षा प्रणाली की आवश्यकता थी, जो सैन्य प्रणाली, अर्थव्यवस्था और लोगों की रक्षा कर सके। और इस सवाल का सही जवाब था आयरन डोम। आयरन डोम सिस्टम कुछ घटनाओं में 85-90% सफलता दिखाता है, कभी कभी इसे 95% सफलता मिलती है। और इसराइल हमेशा इस प्रणाली को अधिक सटीक और उन्नत बनाने के लिए खोज कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने न केवल एक सहयोगी देश की मदद करने के लिए प्रणाली को विकसित करने में लगातार मदद की है, बल्कि इस उम्मीद में कि यह सिस्टम किसी दिन मिसाइल हमलों से अमेरिकी सेना की रक्षा करने में भी मदद कर सकता है। आयरन डोम रडार के साथ आने वाले हथियार को भांप कर काम करता है। यह तय करता है कि हथियार कहां जा रहा है। सिस्टम सभी मौसम में काम करता है, परिवहनीय है और इसके निर्माता के अनुसार दुश्मन की फायरिंग स्थिति के स्थान का अनुमान भी लगा सकता है। इसकी कमी यह है कि यह प्रणाली निर्देशित मिसाइलों और सबसे छोटी जमीनी मिसाइलों जैसे मोटा और कम दूरी के रॉकेट के खिलाफ कम से कम प्रभावी है। इसे राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया था और 2011 में चालू हुआ था। सिस्टम को 2012 में युद्ध का पहला स्वाद मिला, जिसे बाद में ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस नाम दिया गया। गाजा में हमास ने इजराइल पर 1500 से अधिक रॉकेट दागने का प्रयास किया, जिनमें से 400 को खतरा माना गया। उनमें से इजरायली सरकार का कहना है कि 85% आयरन डोम द्वारा रोके गए थे। आइए देखें कि आयरन डोम कैसे काम करता है। सबसे पहले यह अपने मल्टीमिशन रडार का उपयोग करके आने वाली छोटी दूरी के खतरे, लगभग 45 मील दूर तक को पहचानता है। इसके बाद अपने प्रबंधन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके यह निर्धारित करता है कि रॉकेट इमारतों जैसे आबादी वाले क्षेत्र की ओर जा रहा है या नहीं। यदि सिस्टम निर्धारित करता है कि इसे रोकना आवश्यक है, तो यह अपनी एक तामीर मिसाइल को अपनी बैटर यूनिट से फायर करता है। एक बैटर यूनिट में 20 तामीर मिसाइलें होती हैं। तामीर मिसाइल हवा में लक्ष्य मिसाइल को विस्फोट करने के लिए प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का उपयोग करती है। एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज एक स्विच की तरह होता है, जो लक्ष्य और फ्यूज के बीच की दूरी बहुत कम हो जाने पर एक विस्फोटक उपकरण को स्वचालित रूप से विस्फोट कर देता है, और परिणामस्वरूप हमलावर रॉकेट और तामीर रॉकेट एक साथ विस्फोट करते हैं और खतरा टल जाता है। आयरन डोम का मुख्य दोष इसकी कीमत है। हमास और हिजबुल्ला द्वारा समर्थित कत्युषा रॉकेटों की कीमत आमतौर पर लगभग $300 प्रति राउंड होती है, जबकि आयरन डोम की तामीर मिसाइलों की कीमत $20,000 से $100,000 तक होती है। साथ ही कुछ सूत्रों का सुझाव है कि सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आने वाले रॉकेट पर 2 तामीरों को निकाल दिया जाता है। उस मामले में इसकी लागत दोगुनी हो जाती है। गाइडेड मिसाइलें जो अपना रास्ता बदल सकती हैं और लक्ष्य के रास्ते में आ सकती हैं, आयरन डोम के लिए भी एक चुनौती है। लेकिन न तो हमास और न ही हिजबुल्लाह ने अभी तक ऐसे हथियारों का उपयोग किया है। 6 मई 2021 को फिलिस्तीनियों ने पूर्वी यरूशलम के एक पड़ोस के शेख जर्राह से 4 फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने के संबंध में इजरायली सुप्रीम कोर्ट के आगामी निर्णय पर यरूशलम में विरोध करना शुरू कर दिया। 10 मई को 2 फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने गाजा पट्टी से इजरायल में रॉकेट फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई घरों और एक स्कूल को निशाना बनाया गया। उत्तर में इजरायल ने गाजा के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए, जिसमें कई अपार्टमेंट इमारतों और एक समाचार कार्यालय की इमारत को निशाना बनाने वाले हवाई हमले शामिल हैं। मौजूदा हालात के मुताबिक इसराइल ने अब तक अपने इलाके में सबसे ज्यादा रॉकेट हमलों का सामना किया है।
मेजर जनरल ओरी गॉर्डन ने कहा कि सोमवार 10 मई से गाजा में सशस्त्र समूहों ने इजरायल की ओर लगभग 3,000 रॉकेट फेंके हैं। राफेल के अनुसार उन्होंने 95% रॉकेटों को सफलतापूर्वक हराया जो कि इसराइल की ओर लक्षित थे। आयरन डोम पर यह हमारा आज का एपिसोड था। आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके जरूर रखें भविष्य में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। धन्यवाद।